नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी के मोठ से सामने आ रही है, जहां नगर पंचायत मोठ में पोकलैंड मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। बीजेपी के गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत मोठ का नाम सामने आ रहा है। नगर पंचायतों ने विधायक को नोटिस भेजा है कि किसके आदेश पर आप ये तालाब की खुदाई करा रहे हैं। विधायक के पास ना तो प्रशासन का आदेश है, ना ही कोई जानकारी, फिर तालाब की खुदाई आखिर किसके कहने पर हो रही है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बताते चले कि प्रशासन को सूचना तक नहीं है और वहीं यहां खुदाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, और वो किस तरह से यहां खुदाई लगातार जारी रखवा रही हैं। नगर पंचायतों ने आरोप लगाया है, वहीं मोठ पंचायतों ने भी नोटिस भेजा कि किसके कहने पर ये खनन किया जा रहा है। झांसी के मोठ में नगर में बने तालाब को कई वर्ष हो चुके हैं। पूर्व सरकारों में बंद कर दिया गया था, लेकिन अचानक बिना किसी के आदेश और बिना किसी को जानकारी दिए आज सुबह 10 बजे के आसपास गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत LNT मशीन के साथ पहुंचे और तालाब की खुदवाई करवाना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर नगर पंचायत ने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि किसके आदेश से इस तालाब को खुदवाया जा रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता विकास बिदुआ ने इस बात की पुष्टि करने के लिए गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि तालाब पोखर की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे हो चुके हैं या फिर उन्हें बंद कर दिया गया है, जिससे जल संकट भी गहराया हुआ है, जिसकी वजह से शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तालाब को पुनः खुलवाया जा रहा है। वहीं पूर्व की सरकारों में इसके स्वरूप को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इसको इसके मूल स्वरूप को देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक NGO के माध्यम से इस तालाब की खुदाई करवाई जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में तालाब पर वाटर पार्क और सुंदरीकरण कराया जा सके। वहीं जब हमारे संवाददाता विकास बिदुआ द्वारा जानकारी नगर पंचायत मोठ से ली गई, तो नगर पंचायत मोठ के EO श्यामकरण सिंह ने बताया कि ये तालाब नगर पंचायत की सीमा में आता है और नगर पंचायत में दर्ज है, लेकिन मुझे बिना सूचना दिए और बिना आदेश के ये तालाब गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा खुदवाया जा रहा है, जिसका उन्होंने लिखित पत्र अपर जिलाधिकारी झांसी मोठ SDM और विधायक को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अखाड़ापुरा में पटे हुए तालाब को मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए आज गरोठा विधायक द्वारा अचानक मूल स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अगर प्रशासन से कोई आदेश आया तो उसकी जानकारी से अवगत कराएं। फिलहाल वहीं इस पूरे मामले पर मोठ उप जिलाधिकारी मंजूर अहमद अंसारी का कहना है कि उनके पास इस मामले में न तो जिलाधिकारी के यहां से कोई आदेश आया है, न ही कोई ऐसा आदेश नगर पंचायत को उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, फिर किसके कहने पर विधायक जी ये तालाब खुदवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बिना आदेश के तालाब की खुदाई कराना एक बीजेपी विधायक की दबंगई है, या फिर इनको ये लगता है कि हम तो विधायक हैं, हमें कौन रोक सकता है। अगर आदेश नहीं है तो आखिर किसके आदेश के अनुसार विधायक जी LNT मशीन लेकर वहां पहुंच गए। झांसी से मंडल ब्यूरो चीफ विकास बिदुआ की खास रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सभी न्यूज समय पर प्राप्त हो सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।